दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम मेहरा आपके लिए सेवंथ पे कमीशन से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें पे फिटिंग और एरियर के बारे में आप कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गूगल पे आप सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट www जो ये आपको ये साइट आपको यहाँ शो हो रही है, इस साइट को गूगल पे टाइप करें। गूगल पे टाइप करने के बाद में सबसे पहले ये टेस्ट पे कैलकुलेशन जो रेड ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, और इंटरफेस ओपन होने के बाद में इसमें सारी जानकारी आपकी है वो यहाँ पर कर लें, फीडिंग कर लें। जैसे सर्विस मैं यहाँ लिख देता हूँ टीचर, और किस डेट से आप लेना चाह रहे हो, जिस पर जो जिस डेट से अपना लाभ लेना चाह रहे हो, बेनिफिट लेना चाह रहे हो, उस डेट को यहाँ पर आप डालें, और यहाँ एम्प्लॉयड नेम, तो मैं अपना नेम डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर आप डालेंगे एजुकेशन, आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और डेजिग्नेशन के अंदर है टीचर्स, तो मैं जैसे यहाँ पर टीचर्स डाल दिया। सिक्स पे के अंदर एचआर है 10% है सबके लिए, केवल महानगर को छोड़ के, और यहाँ पर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर है प्रोबेशन पीरियड, और रेगुलर है तो रेगुलर डालना है, और आपका पे बैंड यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, जैसे मेरा पे बैंड यहाँ पर 3600 है तो मैं 3600 सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपकी बेसिक पे उस डेट की डालनी है जिस डेट को आप ऑप्शन चुन रहे हो, जैसे 1 जनवरी 16 को चुन रहे हो, जैसे 1 जनवरी 16 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा 13290 है, तो 13290 है। और ये नीचे जो 6 पे के अंदर न्यू CC ऑर्डर वगैरह दिए हैं, ये आपको यहाँ पर नहीं करें। फिर आप इसमें नीचे ध्यान से देखिए, इसमें एक तो है फिक्सेशन स्टेटमेंट और एक है जनरेट सेल एरिया। तो सबसे पहले मैं फिक्सेशन स्टेटमेंट यहाँ पर, जैसे ये रेड बिलिंग हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और फिक्सेशन स्टेटमेंट तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप फिक्सेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मोबाइल में ओपन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। इसके लिए आप PC चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसके लिए आप क्लिक करेंगे तो फिक्सेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी फिक्सेशन स्टेटमेंट का पूरी एक शीट A4 साइज़ के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगी। और फिर आप जनरेट एरियर, तो मैं जैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ, जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेट के अंदर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर ये पूरी शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका एरियर क्या बन रहा है उससे रिलेटेड ये आ जाएगा। नोशनल पे है 1 जनवरी 17 से आपको पे मिलेगा, और फिक्सेशन शीट मैं यहाँ क्लिक किया, इसके कैलकुलेट के बाद करना, कैलकुलेट के बाद जैसे मैंने ये किया तो ये यहाँ से आप इसको ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड होती है ऑटोमेटिक ही, ओपन कीजिए इसको, तो ये ओपन हो गई यहाँ, ये ओपन यहाँ से आपके इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, PDF में कन्वर्ट कीजिए आप इसको तो ये ओपन हो जाएगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। और इसी प्रकार आप इसमें जनरेट सैलरी और फिक्सेस जनरेट सैलरी, तो जनरेट सैलरी वाला भी इसी प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो, अलाउ कर दो इसको और डाउनलोड कर दो, दूसरी सीट बनकर आपकी तैयार हो जाएगी, इसको भी आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, दो सीट ये बन के आपकी तैयार होगी ओपन, लेकिन ये ओपन इसमें नहीं होगी DOS के अंदर, क्योंकि DOS है, DOS के अंदर एक्सेल या उसमें वर्ड में काउंट होती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना इस साइट पे जाके देख सकते हो कि किस प्रकार से आपका फिक्सेशन स्टेटमेंट और ये जनरेट एरियर सीट बना सकते हो। तो आपको शायद कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इस जानकारी से,
और अगर आपको इस जानकारी से अगर कोई हेल्प मिली है तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और एक्सेल शीट से या डॉस से इसको आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।